हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, और ये खबर जो है वो थोड़ी सी छिपी हुई है, क्योंकि बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी होने जा रही है। जी हाँ, और सभी की निगाहें उन्हीं पर जमी हुई है। हो भी क्यों ना, दोनों की शादी की रूमर डेट हर बीतते दिन के साथ नजदीक जा रही है। हाल ही में सिद्धार्थ को दिल्ली जाते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। खबरें हैं कि एक्टर अपनी वेडिंग की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए अपने होम टाउन दिल्ली गए थे। इन सब के बीच एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को भी डिजाइनर मलेश मल्होत्रा के घर पर देखा गया। खबरें हैं कि कियारा भी अपने वेडिंग आउटफिट को फाइनल करने के लिए पहुंची थी। वहीं लेटेस्ट गॉसिप ये है कि शेरशाह की जोड़ी जैसलमेर में शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कुछ खबरों की माने तो जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। रूमर्स है कि लव बर्ड 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि वेडिंग सेलिब्रेशन 5 फरवरी को संगीत सेरेमनी के साथ शुरू होगा और 6 को फेरों के बाद 7 को रिसेप्शन होगा। रिपोर्ट्स की माने तो कियारा सिद्धार्थ के ग्रैंड वेडिंग के 3 दिनों के सेलिब्रेशन के दौरान गेस्ट को राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी शादी में कठपुतली का डांस होगा और कलाकारों की परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया है। वहीं मेन्यू की बात करें, और भाई शादी और खाने की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेन्यू में आपको कॉन्टिनेंटल इंडियन कुजीन के साथ साथ बाजरे की रोटी, बाजरे का सोया जैसे राजस्थानी डिशेज भी शामिल है। गेस्ट सेम स्टैंड ड्यून्स में कैमल राइड्स भी एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में मिशन मजनू में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को काफी सराहना मिली। वहीं एक्टर अब जल्द ही वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आएंगे। इसे कहते हैं इतिहास रचना। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बरसात कर दी है। लगातार 8वें दिन से फिल्म नॉनस्टॉप कलेक्शन कर रही है। शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी पठान के 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक पठान ने बुधवार को भी डबल डिजिट में कमाई कर इतिहास रच दिया है। ट्रेंड एनालिस्ट ने कहा है कि 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। उनके मुताबिक पठान का 8वें दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपए रहा। शाहरुख दीपिका स्टारर मूवी का 8 दिन का इंडिया कलेक्शन करीब 348 करोड़ हो गया है। पठान के हिंदी वर्जन ने बुधवार को 55 करोड़, गुरुवार को 78 करोड़, शुक्रवार को 38 करोड़, शनिवार को 51 करोड़, रविवार को 58 करोड़, सोमवार को 25 करोड़, मंगलवार को 22 करोड़ और बुधवार को भी मूवी का दमखम लगातार जारी है। 7वें दिन के मुकाबले कमाई में हल्की सी गिरावट देखी गई है, बावजूद इसके पठान का कलेक्शन जोरदार है। पठान ने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट में करीब 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पठान शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। पठान शाहरुख खान की ही कई फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ चुकी है। पठान ने यशराज बैनर की स्पाई एंटरटेनर वॉर के लाइफ टाइम कलेक्शन को 7 दिनों में पछाड़ दिया। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने के बाद पठान ने अपनी पहले हफ्ते की कमाई से भी रिकॉर्ड तोड़ा है। पठान वर्ल्ड वाइड 634 का ग्रॉस कलेक्शन कर पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पठान की सफलता का परचम हर दिन लहरा रहा है। किंग खान की मूवी ब्लॉकबस्टर है। पठान से किंग खान ने साबित कर दिया है कि वे रियल में बॉक्स ऑफिस के किंग है। पहले वीकेंड में छप्पर फाड़ कलेक्शन करने के बाद पठान से काफी उम्मीदें हैं कि वे सेकेंड वीकेंड में भी बम्पर कलेक्शन कर इतिहास रचे। तो भाई ये तो हो गई कमाई की बात, अब ये बताइए आपने देखी क्या पठान, और नहीं देखी है तो चाहिए जल्दी से। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 का फिनाले जल्द ही आने वाला है। फिनाले को अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। बीते एपिसोड में एक बार फिर से टीम के हिसाब से गेम खेला गया। एक तरफ मंडली थी और दूसरी तरफ अर्चना, प्रियंका, शालीन की टीम। पहले गेम में सुम्बुल तौकीर खान की वजह से मंडली हार गई। इसकी वजह से तीनों निमृत को छोड़ पूरी मंडली नॉमिनेट हो गई। इसलिए दूसरी बार टीम गेम में सुम्बुल को नहीं लिया गया था। बीते एपिसोड में प्राइज मनी पाने के लिए टॉर्चर गेम हुआ। निमृत कौर अहलूवालिया एमसी स्टैन, शिव ठाकुर एक टीम में, प्रियंका जहा चौधरी, अर्चना गौतम, शालिनी भनोट एक टीम में। दोनों ही टीम को बारी बारी से बजर को एक घंटे तक पकड़े रहना था। इस दौरान विरोधी टीम उन्हें रोकने के लिए टॉर्चर करेगी। बीते एपिसोड में मंडली ने दूसरी टीम को टॉर्चर किया था। प्रियंका, अर्चना और शालिनी ने आखिर में अपना गेम पूरा किया।
अब अपकमिंग एपिसोड में मंडे को टीम बी यानी कि अर्चना, प्रियंका और शालिन टॉर्चर करेंगे। शो का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें तीनों मिलकर मंडे को हराने की पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अर्चना गौतम तो मंडे की आंखों में हल्दी तक डाल देती है जिसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। एमसी स्टैन अमृत कौर अहलूवालिया रोते हुए भी नजर आए। अर्चना कहती है कि उन्होंने कहा था कि वो बदला लेंगी और उन्होंने बदला ले लिया। खैर अब देखना होगा कि मंडली समय पर गेम पूरा कर पाती है या फिर से हार जाती है। तो ऐसी मसालेदार मजेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।